आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। पुराने जमाने में क्या क्या नहीं होता था, अब इन राजा साहब को ही ले लीजिए जो खास अपनी रंगीन मिजाज के लिए ही जाने जाते हैं। इनकी चर्चा है कि ये अपने महल में लोगों को बिना कपड़ों के ही एंट्री दे देते थे। जी हाँ, ये है पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह। इनके बारे में जितना जानेंगे आपको उतनी ही हैरानी होगी। दरअसल महाराज की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। महाराजा भूपेंद्र सिंह के दीवान जरमीन दास ने अपनी किताब महाराजा की इन्हीं हरकतों का पूरा बखान करने के लिए लिखी। इन्हें पढ़ने बैठेंगे तो उस दौर को लेकर आपके ज्ञान चक्षु भी खुल जाएंगे। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन या रंग रलियों का महल बनवाया था, जहां केवल निर्वस्त्र लोगों को एंट्री मिलती थी। ये महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बहादुरी बाग के करीब बना हुआ है। इस महल का जिक्र उनके दीवान ने महाराजा में किया है। महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए रिजर्व था। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ बने चित्रों में सैकड़ों तरह के आसनों में प्रेम कलाप में डूबे औरत मर्दों को दिखाया गया है। कमरे को हिंदुस्तानी ढंग से सजाया गया है। फर्श पर कीमती जवाहरात से जड़े मोटे मोटे कालीन बिछे हैं। महाराजा के भोग विलास का पूरा साजो सामान मौजूद है। महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को मोती बाग पैलेस पटियाला में हुआ था। पिता महाराजा राजेंद्र सिंह की मौत के बाद राज्य के शासक बने भूपेंद्र सिंह ने 38 वर्षों तक राज किया। सिख परिवार में पैदा हुए इस शासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 10 से अधिक बार शादी की थी। एक अनुमान के अनुसार महाराजा भूपेंद्र सिंह 88 बच्चों के पिता हैं, जिसे प्रसिद्ध ब्रांड कार्टियर SA द्वारा निर्मित किया गया था। इनकी पत्नी महारानी बख्तावर कौर इतनी सुंदर थी कि उनको क्वीन मैरी की उपाधि प्राप्त थी। पटियाला पैग भी दुनिया को महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही देन है। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।